हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूं एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां मेजर रिवर्स इन एमपी। तो मध्य प्रदेश की नदियों का जो प्रवाह है और मतलब कि उद्गम स्थल कहां है, कहां समापन स्थल है, कौन कौन से इनमें बेसिन क्षेत्र हैं, कितनी इसकी लंबाई है और कहाँ कौन कौन सी परियोजना है किस किस नदी पर और जो इनकी सहायक नदियाँ, वो सब मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊँगी। तो ये जो फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सभी एग्जाम्स के लिए। जो भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम है आपके, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपका एमपीजी के वगैरह आता हो, उसमें नदियों से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जितने भी ये एंट्रेंस जैसे प्रवेश परीक्षा वगैरह हैं जिनमें एमपीजी के वगैरह आती है, उनमें भी ये मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले पढ़ते हैं नदियों का प्रवाह, जो कौन कौन सी नदी हैं और उनका प्रवाह कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं चार दिशाएँ होती है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उनमें से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चार दिशाओं में जो नदियों का प्रवाह है वो कौन कौन सी नदियां मध्य प्रदेश की और किस दिशा की ओर इनका प्रवाह है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, जो चंबल, बेतवा, सोनकेन, ये जो चार नदियां हैं ये हैं उत्तर दिशा की ओर इनका प्रवाह है, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। अगर ऐसे देखे जाए तो यहाँ पर होता है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये होता है पश्चिम और उत्तर, और ये दक्षिण। अगर मैप के हिसाब से देखें तो जो चंबल, बेतवा, सोनकेन है, इन नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी इसे याद रख सकते हैं कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां, तो यहाँ पे यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, सो के बेचम, मतलब कि सोनकेन, बेतवा और चंबल, सो के बेचम, ऐसे इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं इस टाइप से। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे कि उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। फिर उसके बाद आते हैं नर्मदा और ताप्ती, जो ऐसे डायरेक्शन बताई हुई थी, पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसमें जो है ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये पूर्व नहीं, यहाँ पर पश्चिम है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आप लोगों को पता है ना कि जो नर्मदा और ताप्ती, मतलब कि इस देश में मोस्टली जो नदियां होती हैं उनका प्रवाह होता है पूरब से मतलब कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और बाकी जो देश की मतलब कि मोस्टली जितनी भी नदियां होती हैं पूरे भारत देश में अगर आप देखें तो वो मोस्टली पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती मतलब कि दो ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, जो पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम दिशा की ओर जाती है। मैप में अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी जिसमें आपको देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है वो यहाँ पूर्व से निकलती है और पश्चिम में गुजरात पड़ता है। मध्य प्रदेश की से अगर मैप पश्चिम की ओर आप जाएँ तो पश्चिम में गुजरात पड़ता है, तो यहाँ पर ये गुजरात में जो खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका पश्चिम दिशा की ओर है नर्मदा और ताप्ती जो है वो पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती हैं, और देश की बाकी अन्य जो नदियाँ हैं वो पश्चिम दिशा से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये जो मेन फैक्ट है इसका, ये बस आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा की ओर बहती हैं, पश्चिम। इसीलिए ये जो नदी है नर्मदा ये फेमस है, और जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको सेपरेट बताऊँगी, पहले आपको सिर्फ इनका ये याद रखना है। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनके अगर आप देखें तो आप यहाँ पे इसका जो शॉर्ट ट्रैक है वो याद कर सकते हैं, तान मतलब ता से हो गया ताप्ती और ना से हो गया नर्मदा, तो तान से याद कर सकते हैं आप इसकी शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। इस टाइप से आप ये से याद कर सकते हैं। अब आता है बेनगंगा, तो बेनगंगा जो है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बेनगंगा और वर्धा की, मतलब सहायक नदियाँ नहीं, ये मतलब कि किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं, बेब, ठीक है, बेब यानी कि बेन गंगा और वर्धा, ये दोनों दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, और चंबल, बेतवा, सोनकेन उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदियां हैं मध्य प्रदेश की, और यही मध्य प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी से। तो जो नर्मदा नदी है ये यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले नर्मदा नदी से रिलेटेड फैक्ट्स उठाएंगे। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक, उसका जो उद्गम है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से है, और उसका जो समापन है वो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में है ये खंभात की खाड़ी, उसमें जाकर ये गिर जाती है और निकलती कहाँ से, अनूपपुर जिले अमरकंटक से, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बस देखी जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाता है। फिर इसके जो अन्य नाम हैं वो
इसके जो अन्य नाम हैं वो है रेबा, मेकलसुता, नामादोस, और ठीक है इस टाइप से इसके जो अन्य नाम हैं वो भी पूछे जाते हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखनी है, कुछ वो भी पूछ लिया जाता है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जो 41 हैं, बाकी उनमें से जो मेन मेन हैं जो जानी जाती हैं मुख्य रूप से और एग्ज़ाम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं बरना, हिरना, ये बरना, हिरना, हथनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर और दूधी आदि, ये इसकी जो हैं ये मेन सहायक नदियां हैं, है ना। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इनकी भी आप शॉर्ट ट्रैक बना सकते हैं, है ना। इनकी जो शॉर्ट ट्रैक है मैं बता देती हूँ कि आप लोग इनको भी कैसे याद रख सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रैक। तो इसकी शॉर्ट ट्रैक के लिए ऐसे लिख सकते हैं ही हा, ही हा, शेष, बम और दूताऊ, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ही हा से, ही से हो गया हिरन, हा से हो गया हथनी, हिरन, हथनी, शेर, शक्कर, फिर यहाँ पे बम से हो गया बंजर और ब से हो गया यहाँ पे बरना, बंजर, बरना, फिर दूताऊ से हो गया दूधी, त से तवा और ऊ से हो गया ऊटी। तो इस टाइप से आप नौ जो इसकी मुख्य नदियाँ हैं जो मेन पूछी जाती हैं वो याद रख सकते हैं, ही हा से सा बम दूता, ठीक है। इस टाइप से इसकी शॉर्ट ट्रैक हो जाएगी सहायक नदियों नर्मदा की याद रखने की। इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन बेसिन क्षेत्र वगैरह ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जैसे परसेंटेज में अगर इसका निकाला जाए तो जो 89.9% ये मध्य प्रदेश में बहती है, 6.5% गुजरात में और 2.7% महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। इस टाइप से इसका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर इस पे जो परियोजना है वो है आपकी, अगर इसमें देखा जाए तो इस पे है इंदिरा सागर बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना है इस पर जो इम्पोर्टेंट है। तो इंदिरा सागर बांध जो परियोजना है ये खंडवा ज़िले में है, इंदिरा सागर बांध परियोजना खंडवा ज़िले में पड़ती है पुनासा डैम पर, और ये सरदार सरोवर बांध परियोजना ये गुजरात में है नर्मदा नदी पर, ठीक है, गुजरात में है। और इंदिरा सागर बांध खंडवा मध्य प्रदेश में ही है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से इस टाइप से ये हो जाती हैं। और फिर इसमें एक और है, इसमें वो है बरगी डैम, है ना, बरगी बांध या बरगी डैम, ये जो बरगी डैम या बरगी बांध है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये है जबलपुर में, MP में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो बरगी बांध है और इंदिरा सागर बांध परियोजना पुनासा डैम पे खंडवा मध्य प्रदेश में है, ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, लेकिन है नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख तथ्य या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हें देखें कि अब क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसमें यह है कि यह महादेव यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानी जाती है इस नदी को, सबसे लंबी, ठीक है। मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक। तो ये नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी को मध्य प्रदेश की लोकमाता और जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की लोकमाता और जीवन रेखा, ठीक है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन हुआ था वो 1980 में हुआ था। इस टाइप से नर्मदा से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये भी याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है वो है चंबल नदी, ये जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये जो चंबल नदी है इंदौर जिले के महू की जाना पहाड़ी से निकलती है और इसका जो समापन है वो यमुना नदी इटावा के पास है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। और जो अन्य नाम है इसके वो है धर्मावती, चर्मावती और भूगर्भा, ठीक है। मोस्टली जो इसका नाम आता है वो चर्मावती आता है, पहले पुराणों में इसका नाम चर्मावती बताया गया है चंबल का, फिर इसका बाद में धीरे धीरे चंबल नाम इसका पड़ गया, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पार्वती, काली सिंध, सिंध और छिप्रा, इनकी भी आप लोग शॉर्ट ट्रैक याद कर सकते हैं। इनका अगर आप शॉर्ट ट्रैक याद करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनकी नदी सहायक नदियों पर, तो पा का सी छी, ठीक है। ये जो सिप्रा लिखा हुआ है इस सिप्रा को आप लोग छिप्रा भी बोलते हैं, जो उज्जैन जिस इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है।
तो इसे छपरा भी बोलते हैं, वैसे छपरा लिख सकते हैं लेकिन मोस्टली इसका नाम जो है वो छपरा है। तो पा का सी ची इसका जो शॉर्ट ट्रैक हो गई वो हो गई, मतलब पार्वती काली सिंध सिंध और छपरा, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इस पर जो परियोजना है वो कौन कौन सी है, तो इस पर जो परियोजना है वो है गांधी सागर बांध, ठीक है ना। आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध और गांधी सागर बांध मंदसौर में, मध्य प्रदेश में मंदसौर में है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये गांधी सागर बांध परियोजना थी, प्रथम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बना हुआ है लेकिन ये कोटा बैराज राजस्थान में है, और राणा प्रताप सागर परियोजना भी ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, ठीक है। अब जो यह नदी है ये प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि चंबल नदी है जो वो उसका प्रवाह कहाँ पर है, तो जो चंबल नदी मैंने बताया था कि चंबल विधवा की सोने वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इसीलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। तो इस टाइप से इससे रिलेटेड ये फैक्ट भी याद रखना है। अब आ जाता है सोन नदी, तो ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इस टाइप से आपको ये भी क्रम याद रख लेना है क्योंकि ये भी मोस्टली एग्जाम्स में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी, तो इसमें ये फैक्ट आ जाता है। तो ये कौन सी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पहले है इसमें नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन नदी आ जाती है, ठीक है। तो जो सोन नदी का उद्गम है वो भी अनूपपुर के अमरकंटक से ही है, और ठीक है। और फिर इसका जो समापन है वो गंगा नदी में है, पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में, ठीक है। इसका समापन होता है, जो सोन नदी है वो अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर इसकी जो कुल लंबाई है सोन नदी की वो 780 किलोमीटर है। इसका जो अन्य नाम है वो स्वर्ण नदी और हिरण्यबाहु नदी है। इस पर जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना, शहडोल जिले में है, जो मध्य प्रदेश बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस टाइप से ये सोन नदी का हो जाता है। अब आता है ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो रैंक है वो फोर्थ रैंक है, ठीक है, फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी है वो है ताप्ती नदी, और जो इसका उद्गम स्थल है वो है बैतूल के मुलताई से, इसका उद्गम स्थल माना जाता है मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई से, ठीक है। और इसका जो समापन है वो अरब सागर है, ये भी अरब सागर में जाकर, मतलब यानी कि खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, और ये नर्मदा नदी के साथ ही मतलब कि नर्मदा की सहायक नदी मानी जाती है, तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों मिलकर ही खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी एक फैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 725 किलोमीटर है, और इसका जो अन्य नाम है वो सूर्यपुत्री है, और इसकी जो सहायक नदी है वो है पूर्णा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो नदी है ताप्ती नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा है, और इसका अन्य नाम है सूर्यपुत्री, और ये जो मध्य प्रदेश की फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है तथा एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये भी नर्मदा की तरह अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं और ये दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर आता है कि जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, गुजरात का जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट इसके याद रखने हैं। अब इसके बाद आ जाता है बेतवा नदी, बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, जो रायसेन जिले के कुमारा गाँव से निकली हुई है, ठीक है। तो इसका ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश की फिफ्थ नंबर की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और ये रायसेन जिले के कुमारा गाँव से उद्गम है, और इसका जो समापन है वो यमुना नदी हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई 540 किलोमीटर है, और इसकी जो सहायक नदी है वो बीना और धसान है, ठीक है। और ये जो परियोजना है इस पर वो है राजघाट बांध परियोजना है इस पर, और हराली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना भी बोल सकते हैं, जैसे ये दोनों परियोजना ये बेतवा नदी पर ही हैं, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन से हैं, तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से भी कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रदूषण जिस प्रकार से गंगा प्रदूषित है उसी तरह ये भी प्रदूषित है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, ठीक है, तो ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कही जाती है, ठीक, और इसे पौराणिक में बेतरावती भी कहते हैं, बेतवा नदी को, ठीक है। इस टाइप से इसके जो मेन फैक्ट हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब आती है छपरा नदी, जो छपरा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है करारी बरडी पहाड़ी, इंदौर से ये निकलती है, ठीक है, ये डबल टाइप हो गया है, ठीक है। इसका जो समापन है वो चंबल नदी देवास के पास है,
और इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो नदी है मध्य प्रदेश से ही निकलती है और मध्य प्रदेश में मतलब इसका जो समापन है वो हो जाता है इसका चंबल नदी में ही हो जाता है, देवास के पास में। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस टाइप से ये फैक्ट आपको छिप्रा नदी के बारे में याद रखना है। और यहाँ पे जो छिप्रा लिखा हुआ है इसे आप छिप्रा भी कर सकते हैं, है ना, एक सेकेंड, इसे आप छिप्रा भी कर सकते हैं। ये जो नदी है छिप्रा या छिप्रा लिख सकते हैं, मोस्टली इसे छिप्रा बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, सॉरी आप इसे लिख सकते हैं ऐसे छिप्रा। ये है उज्जैन, जो शहर है वो छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे अवंती भी कहते हैं, इसीलिए जो उज्जैन है उसका नाम अवंतिका भी है, ठीक है। तो ये चंबल नदी देवास में मिल जाती है और जो लंबाई 195 किलोमीटर है, इस नदी को क्या कहते हैं, मालवा की गंगा, ठीक है। इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये जो मालवा के निवासी हैं उनके लिए ये मतलब ये नदी जल की पूर्ति करती है, जो जल इस नदी से ही सारा जल मालवा के जो लोग हैं उन लोगों को इसी से जल मिलता है और इसी पर सारे लोग जल की पूर्ति के लिए निर्भर हैं। तो इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है आपका अरे छिप्रा नदी का, उसका अवंती है। और ये जो छिप्रा नदी है वो उज्जैन का जो सिंहस्थ मेला है वो भी छिप्रा नदी पर ही लगता है ना। उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है इसी नदी के किनारे उज्जैन में। तो ये नदी जो है वो मतलब कि उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस टाइप से ये फैक्ट है इससे रिलेटेड। अब आ जाता है माही नदी। तो जो माही नदी है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विंध्याचल पर्वत से माना जाता है, ठीक है। ये माही नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और ये नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये माही नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आ जाता है तवा नदी। तो जो तवा नदी है उसका जो उद्गम माना जाता है वो होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर माना जाता है, ठीक है। होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर इसका जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है। और जो समापन है वो नर्मदा नदी में है। ये नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है मध्य प्रदेश में ही। तो इसकी भी लंबाई बहुत कम है, ठीक। और ये जो है नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मानधार जलप्रपात है, जहाँ पर ये दोनों का संगम है तवा और नर्मदा का, वहाँ पे मानधार जलप्रपात नाम उसका रखा गया है। वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर होशंगाबाद में है। और ये जो सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर ही है, ठीक है। तो इतने फैक्ट इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद आ जाता है काली सिंध नदी। जो काली सिंध नदी है वो देवास के बागली गांव से है, इसका मध्य प्रदेश के देवास के बागली गांव से निकलती काली सिंध नदी, और इसका समापन चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये भी चंबल की सहायक नदी है, मैंने बताया था ना आपको। पाका मतलब पार्वती, काली सिंध और सीछे मतलब के सिंध और छिप्रा, तो ये चारों जो सहायक नदियाँ हैं वो चंबल की हैं, ठीक है। और ये चारों ही मध्य प्रदेश से निकली हुई हैं। फिर समापन चंबल में जाकर मिल जाती है ये काली सिंध नदी, ठीक है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। फिर आ जाता है सिंध नदी। तो सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो गुना की सिरौंज माना जाता है मध्य प्रदेश के, और ये भी चंबल नदी में इटावा में मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है पार्वती। तो जो पार्वती नदी है वो उसका जो उद्गम स्थल है वो है सीहोर आष्टा मध्य प्रदेश, और इसका जो समापन है वो भी चंबल नदी में ही है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर आ जाता है टोंस या तमसा नदी, जिसका प्राचीन नाम तमसा था, टोंस। तो ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है सतना जिले के कैमुर्गी पहाड़ियों से, ठीक है। और इसका जो समापन है वो गंगा नदी में है। ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है टोंस या तमसा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बैन गंगा जो है, बैन गंगा का उद्गम जो माना जाता है या सिवनी के पारस बड़ा पठार से माना जाता है, और इसका जो समापन है वो वर्धा नदी महाराष्ट्र में माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो वर्धा तथा बैन गंगा का जो संगम है उसे प्राणता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्धा एवं बैन गंगा का संगम किस नाम से जाना जाता है, तो प्राणता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है केन नदी। तो जो केन नदी है उसका उद्गम स्थल कटनी से माना जाता है, ठीक है। और इसका जो समापन है वो यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में माना जाता है, ठीक है। यमुना नदी में जाकर केन नदी मिल जाती है। इस टाइप से इसका ये पूरा कंप्लीट हो गया फैक्ट, जितनी भी नदियाँ मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट थी प्रमुख नदियाँ। अब जो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है तो वो मैं बता दूँ कि मैंने बताया था ये पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी में सबसे पहले ये जब अमरकंटक से निकलकर फिर जाती है जबलपुर, तो जबलपुर शहर में जाने से पहले ही यहाँ पे ये बरगी डैम पड़ता है यहाँ पे जबलपुर के पास में। बरगी डैम जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, उसके बाद इसकी जो
फिर ये नदी जाकर यहाँ पे भेड़ाघाट में जाती है, जबलपुर के पास में ये भेड़ाघाट जलप्रपात है, यहाँ पे ये नदी बहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ वो आकर मिल जाती हैं, यहाँ से इसकी ये सहायक नदी शेर जो मैंने बताई थी वो मिल जाती है, फिर शक्कर नदी आकर मिल जाती है, फिर दूधी मिल जाती है, ये यहाँ से जो है ये बरना इसकी सहायक नदी है वो मिल जाती है यहाँ से दूधी, फिर ये जो तवा नदी है वो भी यहाँ से आती है, और जब ये नर्मदा नदी में आकर यहाँ पे मिल जाती है तो ये भी इसकी सहायक नदी मैंने बताई थी, फिर ये कोलार नदी भी आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर इंदिरा सागर बांध यहाँ पे बनाए गए हैं नर्मदा नदी पे, जो इंदिरा सागर बांध है वो बताया था मैंने कि खंडवा जिले में बनाया गया है इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो ये पुनासा के पास में मतलब खंडवा जिले के पास पुनासा गांव वगैरह पड़ता है उसके पास में है ये, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध वहाँ बनाया गया है खंडवा में। फिर उसके बाद ये जो नर्मदा है बहती हुई ओमकालेश्वर पहुँचती है, उसके बाद ये महेश्वर पहुँचती है, ठीक है। फिर महेश्वर से निकलती हुई यहाँ जाती है तो मान नदी इसमें आकर मिल जाती है, फिर हिरण नदी मिल जाती है नर्मदा में आकर, फिर यहाँ पे जोबट बांध यहाँ पे बना हुआ है हिरण नदी पर, ठीक है। तो ये जो नर्मदा है फिर बह कर जाती है, फिर यहाँ पे जब ये आखिरी में यहाँ पे पहुँचती है सरदार सरोवर बांध इस पर फिर बनाया गया, जब ये गुजरात में पहुँचती है फिर गुजरात के और आगे बढ़कर गुजरात के अंत में ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यहाँ पे जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है इस टाइप से। तो ये जो मध्य प्रदेश पे जो डैम और जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस टाइप से आप लोग ये मैप से भी नर्मदा को देख सकते हैं कि ये पूर्व से निकली हुई है, जब मैंने मैप में बताया था यहाँ पे पूर्व है यहाँ पे पश्चिम, तो ये पूर्व से निकली है और यहाँ से आते हुए पश्चिम में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद चंबल नदी का बताया हुआ था, तो ये चंबल नदी का अगर आप वातंत्र देखें तो चंबल ये दूसरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका अगर देखें तो यहाँ पे ये देखिए आप चंबल नदी है यहाँ पर, है ना, और ये इसका जो प्रवाह था वो उत्तर दिशा की ओर बताया था मैंने कि इसका जो प्रवाह है वो उत्तर दिशा की ओर है, मतलब कि ये उत्तर की ओर बहकर जाती है। तो ये देखिए चंबल नदी यहाँ से निकली हुई है ना मध्य प्रदेश से, और जो मध्य प्रदेश में इसका जो उद्गम स्थल है वो जाना बाबा पहाड़ी है से माना जाता है ना, इंदौर के महू के पास से। तो ये चंबल नदी जब निकली है तो इसकी जो सहायक नदी थी वो थी काली सिंध, तो यहाँ आकर काली सिंध मिल गई और ये बनास नदी इसमें मिल गई, पार्वती काली सिंध और छिप्रा इसमें मिल जाती है, तो ये बनास नदी भी मिली इसकी, ये भी इसकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पे ये कूनो नदी मिल जाती है ये चंबल नदी, फिर यहाँ से चंबल नदी फिर जाती है, तो जब ये यमुना नदी में मिलने वाली होती है चंबल नदी, तो तब यहाँ पे ये इसमें सिंध भी आकर मिल जाती है ना चंबल नदी के साथ, और फिर आगे बढ़ती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी में ये जो बेतवा नदी है वो भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, और ये केन नदी यहाँ से भी आकर यहाँ पे नर्मदा नदी में मिल जाती है, तो सॉरी यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो जो यमुना में जाकर मिलती हैं वो हैं आपकी केन, बेतवा और ये चंबल, यहाँ पे ये तीनों ही नदियाँ बेतवा में सॉरी यमुना में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। इस टाइप से जो चंबल नदी का अपवाह तंत्र है वो यहाँ पे पूरा मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, इस टाइप से ये फैक्ट रहेगा। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के जो डैम वगैरह और परियोजना है इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी थी, लेकिन कुछ जो और रह गई हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी पर बांध बने हुए और जो परियोजना है उसकी ट्रिक के साथ ये है कि नई रानी इंदिरा ओशम, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे नई रानी इंदिरा ओशम, तो जो नई से हो जाएगा नर्मदा नदी, रानी से हो जाएगा रानी अवंती बाई सागर, ये ठीक है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, फिर इंदिरा सागर हो जाएगा, ठीक है। तो नई रानी इंदिरा ओशम, तो ओ से ओमकारेश्वर परियोजना है, सा से सरदार सरोवर परियोजना है, और माँ से महेश्वर परियोजना है, ठीक है। तो जब नर्मदा नदी महेश्वर से निकलती है ओमकालेश्वर, तो ओमकालेश्वर में ओमकालेश्वर परियोजना, महेश्वर में महेश्वर परियोजना, और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, इस टाइप से ये परियोजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है चंबल नदी, तो चंबल नदी पर बने बांध एवं परियोजना कौन कौन सी हैं, तो उसकी जो ट्रिक है वो है चार को गरज, ठीक है। तो चार को गरज से आप याद रख लेंगे कि कौन कौन सी परियोजना और बांध वगैरह हैं, तो यहाँ पे लिखे चार को गरज, तो ये मतलब कि को से हो जाएगा कोटा बैराज, फिर गा से हो जाएगा गांधी सागर, ठीक है, और रा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर, और जा से हो जाएगा जवाहर सागर, ठीक है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज, ठीक है। तो इस टाइप से
ये जो चंबल नदी है उसकी सहाय उसकी परियोजना और बांध हो जाएंगे। फिर आ जाता है तवा नदी, तो जो तवा नदी है उस पर एक ही बांध बना हुआ है और वो है तवा बांध। ठीक है, तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है बरगी नदी पर बने बांध, तो जो बरगी नदी है उस पर जो बरना घाटी परियोजना है केवल वही है। ठीक है, इस नदी पर बरना घाटी इस नदी पर बरना घाटी परियोजना है। ठीक है, और फिर आ जाता है फिफ्थ के जो हलाली नदी पर परियोजना है वो कौन सी है, तो इस नदी पर हलाली परियोजना है। मोस्टली जो नदियों पर कोई परियोजना बनती है तो उसी नदी का नाम रख देते हैं, या फिर वो जिस शहर या गांव से निकलती है वो नाम रख देते हैं उसका। तो ये हलाली नदी पर बनी हुई है इसलिए हलाली परियोजना इस नदी का नाम रखा गया है। फिर बेतवा नदी पर जो बांध बने हुए हैं उसकी ट्रैक है बैराज, बैराज से राजघाट बांध हो गया इस पे। ठीक है, बैराज का आप राज ले लेंगे तो राजघाट बांध हो गया कौन सी आपकी बेतवा नदी पर, बैराज से हो गया बेतवा नदी पर राजघाट बांध। ठीक है, अब हो जाता है सोन नदी पर बना बांध, तो सोन नदी पर भी एक ही बांध बना हुआ है, वो कौन सा है, बाणसागर बांध, ये सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट इससे रिलेटेड इतने हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी पूरी बांधों से भी रिलेटेड जितनी भी परियोजना थी, बांध वगैरह थे, मोस्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने आपको सारे बता दिए हैं। यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से सारा फंसता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नर्मदा नदी या जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं उनसे ना छूटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।